मऊ जिला अस्पताल के मनभड़ और नशेड़ी डॉक्टर पर लूट का मुकदमा दर्ज हो गया है। जी हां, आपने सही सुना, मऊ जिला अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में पत्रकार के साथ बदतमीजी करना अब डॉक्टर को महंगा पड़ रहा है। डॉक्टर के खिलाफ अब लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरा जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसका धारा मैं आपको बताता हूं कि जो डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी धाराएं हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 392। 392 यानी कि छिनैती और लूट का मामला। तो पूरा मामला आपको बताता हूं कि जो मऊ जिला चिकित्सालय के सरकारी डॉक्टर हैं वो तो पहले यहाँ इलाज नहीं करते हैं, अपने निजी अस्पतालों में इलाज करते हैं। और जिस डॉक्टर से अभी नया मामला सामना आया है जिसमें डॉक्टर इमरजेंसी कक्ष में तैनात था और यहाँ पर ड्यूटी करने के बजाय नशा करके कहीं धुत था, और जब मामला सामने आया, मीडिया को खबर सामने आई, तो यहाँ पर पत्रकार जब कवर करने पहुँचा तो पत्रकार के साथ डॉक्टर ने मारपीट किया। मारपीट के करने के बाद मोबाइल छीन लिया, और पुनः मोबाइल छीनने के बाद पत्रकार ने जब प्रयास किया तो पत्रकार पर जानलेवा हमला भी कर दिया। और यह जानलेवा हमला तब करता है जब यूपी पुलिस मौजूद रहती है, यानी कि उस यूपी पुलिस जिससे बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी सहित तमाम उत्तर प्रदेश के माफिया डरते हैं, मऊ जिला अस्पताल का नशेड़ी डॉक्टर नहीं डरते हैं। तो मऊ जिला अस्पताल के नशेड़ी डॉक्टर के खिलाफ अब लूट का मुकदमा मऊ जिले के सरालखंसी थाने में दर्ज हो गया है, और पत्रकारों की मांग हो रही है कि नशेड़ी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए। वैसे तो नशेड़ी डॉक्टर इलाज करते नहीं हैं, और जब इलाज भी करते हैं तो अपने निजी अस्पतालों में। जिस डॉक्टर का मामला सामने आया है उसका आवास इस अस्पताल से चंद ही कदमों दूर है, वहाँ पर बाकायदा पोस्टर लगाया है सौरभ त्रिपाठी का आवास और किस किस मामले का इलाज करता है वो लिखा हुआ है। इसके साथ ही सौरभ त्रिपाठी इसके आगे एक और अस्पताल है निजी, वहाँ पर इलाज करता है। यानी कि सौरभ त्रिपाठी इमरजेंसी कक्ष में तैनात रहता है, मऊ जिले के ओपीडी में, जो मऊ जिले का चिकित्सालय है ओपीडी, वहाँ तैनात रहता है, योगी सरकार से भरपूर वेतन भी लेता है, लेकिन इलाज करता है निजी अस्पताल में। जब सरकारी अस्पताल में इलाज करने की बात आती है तो वह कहीं नशे में धुत हो जाता है और अपनी मनबढ़ई करता है, और मनबढ़ई का वीडियो देखिए कि किस तरह से पत्रकार पर जानलेवा हमला कर रहा है। जानलेवा हमला करने की बस एक वजह बनी कि इमरजेंसी में पुलिसकर्मी कैदियों को लेकर के आ करके यहाँ पर मेडिकल कराने आए थे, करीब 3 घंटे से बैठे थे। जब पुलिसकर्मियों ने पत्रकार को सूचना दिया कि हम 3 घंटे से इमरजेंसी में मेडिकल के लिए हैं, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, पत्रकार उसी सूचना पर मौके पर पहुंचा और जब वीडियो बनाने लगा तो वहां डॉक्टर मौजूद नहीं था। और जैसे ही डॉक्टर को सूचना मिली कि मेरी अनुपस्थिति का खबर मीडिया को पहुंच गया है, वह भागे भागे अपने निजी अस्पताल से आया और पत्रकार पर हमला कर दिया। पत्रकार पर हमले करने के बाद पत्रकार के द्वारा जब पुलिस को सूचना दी गई तो नशेड़ी डॉक्टर पुलिस के सामने भी पत्रकार से बदतमीजी किया। अब पूरा मामला जब सामने आया है, पुलिस ने संज्ञान लिया है और पुलिस ने नशेड़ी और मनभड़ डॉक्टर के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो देखते हैं कि नशेड़ी डॉक्टर का गिरफ्तारी कब होता है, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी जो पूरा पत्रकार लाबी है डॉक्टर के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी, और मऊ जिला चिकित्सालय के जो मनमर डॉक्टर हैं उनके खिलाफ खबरें चलती रहेगी। क्योंकि यह पैसा सरकार का लेते हैं गरीबों का इलाज करने के लिए, लेकिन यह गरीबों का इलाज करते हैं लेकिन अपने निजी अस्पतालों में, और गरीबों से पैसा लेते हैं, यानी कि जिन गरीबों का मुफ्त में इलाज होना चाहिए उनका पैसे लेकर के इलाज करता है यह नशेड़ी और मनभड़ डॉक्टर। तो देखिए कब तक इस डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है, और जो जनता का इलाज कब निःशुल्क होता है सरकारी अस्पताल में, उस पर नज़र बनी रहेगी।